तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का गैजेट न्यूज हिंदी पे। और गाइज आज भी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ टेक न्यूज की जो कि दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहेगा। और हाँ गाइज यार, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि गाइज ऐसी और वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। गाइस सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वीवो की। तो गाइस वीवो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन गीकबेंच पर लिस्ट कर दिया गया है, जहां पर गाइस इस फोन के अंदर 12GB तक की रैम और स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और साथ ही गाइस ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। गाइस ऐसी खबर है कि ये जो स्मार्टफोन होगा ये IQ7 नाम से इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगली खबर की। और अगली खबर है दोस्तों यहाँ पर LG की तरफ से। तो दोस्तों आपको पता होगा कि LG ने नवंबर 2020 में अपनी W31 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था इंडिया के अंदर। लेकिन गाइज अब यहाँ पर W सीरीज के अंदर आपको तीन नए स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर गाइज ये स्मार्टफोन होने वाले हैं W41 और W41 प्लस और साथ ही गाइज यहाँ पर W41 प्रो ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर W41 के अंदर आपको 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। साथ ही गाइज W41 प्लस के अंदर आपको 4GB रैम और 128GB इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिलेगी। और साथ ही गाइस W41 प्रो के अंदर 6GB रैम और 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल सकती है। साथ ही गाइस इन स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन भी सामने आ चुकी है, जैसे कि गाइस यहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। साथ ही गाइस बैक में यहाँ पर आपको 4 कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा का 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा MediaTek Helio G35 का चिपसेट। गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन गाइस अभी तक इनकी ऑफिशियल लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। गाइस आपको क्या लगता है इनकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा गाइस अगली खबर भी है यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला G100 दोस्तों गीकबेंच पर स्पॉट कर दिया गया है, जहां यहाँ पर गाइस इस फोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट देखने को मिल रहा है, 8GB की रैम है। और गाइस ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन मोटोरोला एज एस वर्जन के नाम से आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगली खबर है यहाँ पर वीवो की तरफ से। वीवो S9 और S9e दोस्तों मार्च 3 को लॉन्च हो सकते हैं चाइना के अंदर। और साथ ही गाइस ऐसी खबर है कि वीवो S9 के अंदर आपको यहाँ पर डायमेंसिटी 1100 का चिपसेट देखने को मिल सकता है। और साथ ही गाइस वीवो S9e के अंदर डायमेंसिटी 820 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और गाइस दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.4 इंचेस की OLED की स्क्रीन देखने को मिलेगी, 33W की फास्ट चार्ज और 4000mAh तक की बैटरी देखने को आपको मिल सकती है। इस अगली खबर है यहाँ पर जियो की तरफ से। दोस्तों आपको याद होगा कि गूगल ने जियो में 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जहाँ पर गाइस ऐसी प्लानिंग की थी जियो और गूगल मिल करके कुछ नए अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स लेकर के आएंगे। लेकिन दोस्तों अब ऐसी खबर आ रही है कि यहाँ पर आपको जियो के स्मार्टफोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं, जो कि दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है। गाइस बस हम सिर्फ इतने उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे वो प्राइस के हिसाब से अफोर्डेबल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस आपकी इसके बारे में क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर है यहाँ पर रियलमी स्मार्टफोन्स की। तो दोस्तों रियलमी नार्जो 30 प्रो का जो 5G स्मार्टफोन होने वाला गाइस, उसकी जो रिटेलर बॉक्स की प्राइसिंग है वो सामने आ चुकी है। गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिटेलर बॉक्स देखने को मिल रहा है, जिस पर दोस्तों प्राइसिंग लिखी गई है 16,999 रुपये। तो गाइस जो स्मार्टफोन होने वाला एक 5G स्मार्टफोन होगा, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों वो भी सामने आ चुकी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइस तो यार 16,999 की प्राइस पर काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है 5G, और गाइस प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो गाइस आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस आज की टेक न्यूज़ यहीं पर एंड होती है, उम्मीद है आपको ये टेक न्यूज़ पसंद आएगी। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।